हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। नाउ विल डिस्कस हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन गिवन है किसी ग्रामर में तो उसको हम रिमूव कैसे करने वाले हैं, विल सी दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इफ यू न्यू टू द चैनल, आई वुड लाइक टू टेल गाइस, हमारी कंपाइलर डिजाइन की सीरीज चल रही है, ऑन एन एवरेज 10 वीडियोज डल चुकी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोज भी डले हुए हैं गाइस, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, एंड लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यू की पूरी सीरीज डली हुई है, सो यू कैन चेक दट आउट, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, वैसे हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमको आइडिया हो चुका है प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग, बट हम प्रॉपर देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ कि लेफ्ट रिकर्जन आपका होता क्या है। ओके, सो अ प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर इज सेट टू हैव लेफ्ट रिकर्जन इफ द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ऑफ इट्स RHS इज सेम एज द वेरिएबल ऑफ इट्स LHS। ओके, ये सबसे सिंपल भाषा में मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब वही है, अगर आपका वेरिएबल सेम है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब एल जो आपका प्रोडक्शन है इसके राइट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर सिंबल, तो आपका होता है, हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन है। ठीक है, सो गाइज यही हो रहा है ना हमारा सिंपल सा कि लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ऑफ द RHS, मतलब RHS आपका ये हो गया लेफ्ट मोस्ट सिंबल, मतलब ये ए इस समय पे ए हो गया, इज सेम एज द वेरिएबल ऑफ इट्स LHS दैट इज दिस ए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, ए यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट रिकर्जन। अब बात करते हैं हम गाइज, लेफ्ट रिकर्जन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन भी आपका हो सकता है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, लेफ्ट डायरेक्ट रिकर्जन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज बी प्रोड्यूसेस बी ए, ओके, दिस इज डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की बात करते हैं, मतलब इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन होगा बट इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है, एस इज कॉलिंग ए एंड एस इज डिराइविंग ए एंड ए इज डिराइविंग एस। ओके, तो यहाँ पे जो रिकर्जन है दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट इन नेचर, सो दैट्स व्हाई वी से दो टाइप हो गया हमारा सिंपल सा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फॉर द टाइम बिंग हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हाउ टू रिमूव रिकर्जन, तो हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, नाउ गाइज द मेन थिंग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्यों हम उसको भाई रिमूव क्यों करें। सबसे पहली बात, हमको पहले कोई रीज़न तो हो कि इसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग, है ना। रीज़न ये है गाइज सिंपल सा कि बिकॉज जो हमारे टॉप डाउन पार्सल्स होते हैं ना, वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ पार्सल्स, टॉप डाउन पार्सल्स होते हैं आपके और बॉटम अप पार्सल्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, वी विल डिस्कस दैट इन सम अदर वीडियो। तो फॉर द टाइम बिंग आपके जो पार्सल्स होते हैं टॉप डाउन पार्सल्स, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ग्रामर जिसमें कि लेफ्ट रिकर्जन हो, है ना, इसीलिए हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं, दैट इज दे डू नॉट अलाउ द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, इसीलिए हम उसको रिमूव करते हैं ताकि टॉप डाउन पार्सल्स को अपना लैंग्वेज एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड दे कैन वर्क नॉर्मली। ओके, सो वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन बट प्रिजर्व द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर। एंड गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट दैट आप लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव जरूर कर रहे हो, बट द थिंग इज आपको उसको चेंज तो करना है बट लैंग्वेज जो उसकी जनरेट हो रही है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मतलब आपका प्रोडक्शन आप चेंज करो लेकिन जो लैंग्वेज उसकी जनरेट हो रही है तो वही रहनी चाहिए। मतलब अगर लैंग्वेज में आपके स्ट्रिंग्स हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ए ए बी बी है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी करके या कुछ भी है, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, तो उसकी लैंग्वेज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये हो गई। नाउ फ्रेंड्स जस्ट सी दिस कंसेप्ट, रिकर्जन को हम डिफाइन कर सकते हैं लेफ्ट रिकर्सिव बोल सकते हैं, लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन हमारा होता है। ओके, लेफ्ट रिकर्जन मतलब ए डिफाइंस ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा हमारा हो सकता है। सो गाइस हमारा लेफ्ट रिकर्सिव तब होगा जब हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ दिस पर्टिकुलर RHS जो है हमारा इज सेम एज द वेरिएबल ऑन इट्स LHS। ठीक है, तो ए यहाँ पे हो रहा है तो ये हमारा लेफ्ट रिकर्सिव होगा। एंड गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट राइट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है, राइट रिकर्जन जब हमारा होता है तो राइट मोस्ट सिंबल ऑफ RHS इज इक्वल टू द LHS। ठीक है, मतलब वो ये राइट मोस्ट सिंबल ऑफ RHS दैट इज दिस सिंबल, ओके, इज इक्वल टू द LHS, तो ये हमारा हो गया राइट रिकर्सिव ग्रामर। ठीक है, सिंपल सही हो गया। नाउ गाइस इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है बाय दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो आप देख सकते हैं ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा है सिंपल सा। अगर मैं चाहूँ ए से मैं सीधा बीटा पे जा सकता हूँ, एक तो मेरा ये हो गया सिंपल सा सिनेरियो। एंड अगर मैं चाहूँ तो ए डिराइव्स ए अल्फा कर सकता हूँ, ओके, एंड सम फिर उसके बाद ए को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ ए अल्फा, अगेन ए को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ ए अल्फा, एंड सो ऑन जितना मर्जी मैं चाहूँ। एंड एट द एंड मेरे को ए को बीटा से ही मतलब यहाँ खत्म करना पड़ेगा, है ना, मेरे पास जो प्रोडक्शन है ए डिराइव्स बीटा, तो सिंपली वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ ए विद बीटा। सो इसमें लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है गाइज, बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फाज, तो बीटा अल्फा स्टार हमारा यहाँ पर लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। अल्फा स्टार का मीनिंग क्या हो रहा है गाइज, अल्फा स्टार मीन्स दैट देर विल बी एटलीस्ट वन बीटा एंड अल्फा कैन बी जीरो अल्फाज वन अल्फाज और टू अल्फाज एंड सो ऑन। ओके, सो आपकी लैंग्वेज जनरेट ये हो रही है। अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो यू आर टेकिंग ए और फिर इसके बाद हमने क्या किया ए अल्फा और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली बीटा ले लिया, तो बीटा फॉलोड बाय वन अल्फा, यहाँ पे बीटा देन बीटा फॉलोड बाय वन अल्फा, एंड यू कैन टेक बीटा फॉलोड बाय टू अल्फाज ऑल्सो। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज मतलब कि कोई सी भी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होगी गाइज आपकी सिंपल सी, लैंग्वेज में बीटा आएगा, बीटा अल्फा होगा, बीटा डबल अल्फा होगा, है ना, बीटा ट्रिपल अल्फा एंड सो ऑन, बिकॉज एनी नंबर ऑफ अल्फाज यू कैन हैव हियर। तो यहाँ पे आपकी ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है यूजिंग दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। नाउ वन थिंग टू नोट हियर इज व्हाट, अगर गाइज हम जो हमारी ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है ए डिराइव्स ए अल्फा करके, तो अगर हम इसको फंक्शन के तौर पे लिखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या आएगी। अब देखिए सपोज ये है हमारी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है, ये चीज़ है। अब
क्या सीन हो रहा है, ए डिराइव्स ए अल्फा, मतलब हम अगर इसको फंक्शन के तौर पे लिखते हैं तो इन दिस ए फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग द फंक्शन ए इटसेल्फ, है ना, हम ए के बाद ए को ही कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम अगर हमको कोई कंडीशन चेक करनी है अल्फा या फिर हमें कोई काम करना है अल्फा, देन वी आर डूइंग दैट, सो वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर डूइंग सम वर्क और वी आर चेकिंग सम कंडीशंस, ओके। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है गाइस, जैसे ही हमारा ए फंक्शन हो रहा है इट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ विदाउट डूइंग एनी वर्क, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में हमारा चला जाएगा एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, सो इसीलिए गाइस हम लेफ्ट रिकर्जन को हटाते हैं ताकि हमारा जो इनफाइनाइट लूप है इसमें हमारा इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए सिस्टम, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, तो इसीलिए हम क्या करते हैं राइट रिकर्सिव ग्रामर में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो राइट रिकर्सिव ग्रामर में आप सीन देखते हैं गाइस, अगर हमारे पास है ए डिराइव्स अल्फा ए स्लैश बीटा, तो इसकी लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है, सबसे पहले वी कैन टेक ए एंड देन उसके बाद सीधा हम ए डिराइव्स बीटा वाली प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो सिंपल हमारी लैंग्वेज क्या होगी, एक तो हमारा आ गया बीटा टर्म उसमें, देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन से ए डिराइव्स अल्फा ए, फिर से ए को एक्सपेंड करेंगे अल्फा ए में एंड देन बीटा अगर आप यहाँ करते हैं, सो दैट मीन्स टू अल्फाज फॉलोड बाय बीटा, सो सबसे पहले हमारा आया बीटा, फिर उसके बाद हमने लिया अल्फा अल्फा बीटा, अगर आप चाहो तो यहीं पे यहाँ पे इसको बीटा कर दोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज बन रही है गाइस, अल्फा स्टार बीटा, दैट इज़ व्हाट एनी नंबर ऑफ अल्फाज कैन कम फर्स्ट और फिर उसके बाद हमारा बीटा एट द एंड आएगा, ओके। सो गाइस इस ग्रामर से हमारी ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ओके। सो अब आप देखिए डिफरेंस क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर ये थी, राइट रिकर्सिव ग्रामर हमारी ये थी सिंपल सी, इसमें हमारी लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही थी, बीटा अल्फा स्टार, इसमें हमारी लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है, अल्फा स्टार बीटा, ओके। तो दोनों में लैंग्वेज जो है हमारी डिफरेंट जनरेट हो रही है, ओके। सो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में, उसको हम कैसे करेंगे गाइस, अब हम उसको देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेफ्ट रिकर्जन, ये हमारा इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, ओके। सो एंड दिस राइट रिकर्जन की अगर हम बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक ऑफ दिस राइट रिकर्जन इन फंक्शन फॉर्म, तो क्या हो रहा है हमारा गाइस, ए पहले हमारा कुछ अल्फा काम कर रहा है, इफ़ वी हैव अ फंक्शन ए तो हमारा कुछ पहले कंडीशन चेक होगा अल्फा या फिर हम जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे होगा, देन आफ्टरवर्ड्स वी आर कॉलिंग द फंक्शन, ओके। सो सम वर्क इज हैपनिंग हेयर, सम कंडीशन चेक्स आर गोइंग ऑन, तो पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके। यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक हो सकती है और हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में जाने का कोई सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, राइट रिकर्सिव ग्रामर होगा तो यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप में फॉल नहीं करेगा, एंड लेफ्ट रिकर्सिव को हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप में सिचुएशन हो सकता है कि इनफाइनाइट लूप आपका आ जाए, ओके। सो दैट्स द थिंग, सो इसीलिए हम यहाँ पर अब अप्रोच देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, जो कि हमारे कुछ टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो नहीं ले पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो गाइस जो हमारे टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके। सो वी विल कन्वर्ट दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, नाउ लेट्स सी किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड कन्वर्जन करते हुए हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है दिस शुड नॉट चेंज। सो फ्रेंड्स हमारी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या थी, ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा, ओके। नाउ हमारी जो लैंग्वेज जनरेट हो रही थी उससे क्या थी, बीटा अल्फा स्टार। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है इनटू अ राइट रिकर्सिव ग्रामर कि जो हमारा लेफ्ट रिकर्जन है यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो देखो मैंने वही वाला सिनेरियो बना के रखा हुआ है, सिंपल सा हमारा जो लैंग्वेज जनरेट किया हो रहा था इससे बीटा फॉलोड बाय वन अल्फा, बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फास, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज है बीटा अल्फा स्टार, वही हमने पीछे समझ लिया, बस मैंने वही दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ओके। नाउ इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब आप इसको देखिए लैंग्वेज हमको क्या चाहिए, या तो हमको चाहिए एक बीटा, है ना, या फिर हमको चाहिए बीटा अल्फा, या फिर हमको चाहिए बीटा डबल अल्फा एंड सो ऑन, मतलब बीटा फॉलोड बाय वन अल्फा या फिर जीरो अल्फाज या कितने भी नंबर ऑफ अल्फाज, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, वी विल से ए डिराइव्स बीटा, तो हमको चाहिए तो हमने लिखा बीटा एंड देन वी आर सेइंग ए डैश, वाई वी आर सेइंग ए डैश, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या जनरेट करना है गाइस, अल्फा स्टार। अब हम अल्फा स्टार तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, है ना, तो वो तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डैश टू जनरेट व्हाट, ए स्टार। ए स्टार क्या है हमारा, अब देखिए ए स्टार को हम कैसे जनरेट करेंगे, विल से ए डैश इक्वल टू अल्फा ए डैश एंड देन एप्सिलॉन। व्हाई आर वी सेइंग एप्सिलॉन, बिकॉज अगर हमको सिर्फ और सिर्फ बीटा ही चाहिए तो विल से ए डिराइव्स बीटा अल्फा डैश और अल्फा डैश को आप कर दोगे एप्सिलॉन, तो अब आपको मिल गया बीटा। एंड इफ यू वांट एनी नंबर ऑफ अल्फास, एक अल्फा या फिर दो अल्फा, तो उससे हम इसको यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ये वाली प्रोडक्शन हम देते हैं, ए डिराइव्स व्हाट बीटा अल्फा डैश आप यहाँ पे करेंगे, देन अल्फा डैश आप क्या कर सकते हैं गाइस, या तो आप इसको कर दो एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया तो सिंपल बीटा आपकी लैंग्वेज जनरेट हो गई। अगर आप चाहते हो कि बीटा अल्फा करना है तो ए विल डिराइव बट बीटा ए डैश आ गया, उसके बाद ए डैश क्या करेगा अल्फा ए डैश पे आपको ले जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आएगा अल्फा, इधर आएगा ए डैश, और इसके बदले आपको अगर और कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं और नहीं करना है तो एप्सिलॉन दे सकते हैं। तो इफ़ यू गिव एप्सिलॉन हियर तो बीटा अल्फा जनरेट हो गया, ओके एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज जनरेट होगी व्हाट, बीटा अल्फा स्टार। तो वी हैव कन्वर्टेड दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इनटू दिस पर्टिकुलर राइट रिकर्सिव ग्रामर, जिससे कि हमारी लैंग्वेज जो थी बीटा अल्फा स्टार ही रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें कोई चेंज नहीं आया और ना ही आपकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मुद्दा है, इसको आप ध्यान रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस फिर से एक बार समझ लेते हैं, ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा हमारा था, इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर जो कि मेरी जनरेट करेगी लैंग्वेज
बीटा अल्फा स्टार, ठीक है। तो हमको जनरेट करनी है लैंग्वेज यार बीटा अल्फा स्टार, ठीक है, मतलब बीटा तो एक एक ही होना चाहिए। तो वेल से ज़रूरी नहीं है यार कि आप ए से स्टार्ट करो, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। सपोज हम यहाँ पे एम लेके चलते हैं, ओके, एम वेरिएबल लेके चलते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को यार एक बीटा चाहिए चाहिए, तो मैंने कहा एक बीटा मेरे को मिल गया, देन मेरे को अल्फा स्टार जनरेट करना है। बट यार मैं यहाँ पे ना अल्फा स्टार डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, वो हमारा गलत हो जाता है। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टेक अनदर वेरिएबल, से एन ले लेते हैं, या फिर कोई भी आप वेरिएबल जो मर्जी लेना चाहो, कुछ भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एन ले लिया, तो बीटा के बाद हमने यहाँ पे एन ले लिया। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन, तो एन क्या करेगा, हमको एन को हमारा अल्फा स्टार जनरेट करना है, मतलब एन विल जनरेट व्हाट, या तो एक भी अल्फा ना हो, एप्सिलॉन दे दो सिंपल सा। बट अगर हो सकता है मेरी मर्जी, मेरे को एक अल्फा चाहिए या दो अल्फा चाहिए, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अल्फा हो फिर उसके बाद मैं दोबारा से एन दे दूंगा। तो इससे क्या होगा गाइस, जितने नंबर ऑफ मेरे को अल्फा जनरेट करने हैं मेरे से जनरेट हो जाएंगे। कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज वी हैव टू जनरेट व्हाट, बीटा ट्रिपल अल्फा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग सिंबल आपका हो गया एम, ओके, देन एम विल डू व्हाट, बीटा, एंड एन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोडक्शन, ओके। नाउ एन के बदले हम क्या कर सकते हैं गाइस, हमें चाहिए ट्रिपल अल्फा, तो इसको हम अल्फा एन में ब्रेक करने वाले हैं, ओके। अगेन वी विल ब्रेक दिस एन इनटू अल्फा एन, अगेन इसको अल्फा एन, ओके, और फिर इस एन के बदले एंड में हम क्या करने वाले गाइस, एप्सिलॉन ले लेंगे। सो गाइस यू कैन सी हियर, हमने स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया जो कि हमारा एम था इस पर्टिकुलर केस में। तो हमने क्या कहा, बीटा, तो आपका सिंपल आ गया एक बीटा। देन हमने कहा एन, एन को हमने रिप्लेस किया अल्फा एन से, देन अगेन अल्फा एन, अल्फा एन, जितने भी आपको अल्फा चाहिए करते चाहिए, एंड में आप अपना एप्सिलॉन लगा दो। तो यील्ड ऑफ दिस पास ट्री क्या होगा, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, और जो टर्मिनल्स आएंगे उसको लिखते चलेंगे। तो सिंपली हमारा बीटा होगा, देन अल्फा 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 एंड देन एप्सिलॉन। तो बीटा फॉलोड बाय ट्रिपल अल्फा एंड देन एप्सिलॉन, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो बीटा ट्रिपल अल्फा जनरेट हो गया, ओके। सो इस तरीके से आपका जो है हमने कन्वर्जन किया है। सो गाइस दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हमने कन्वर्ट किया इनटू दिस राइट रिकर्सिव ग्रामर, दैट इज ये जो हमने बनाई है, ए डिराइव बीटा ए डैश एंड ए डैश डिराइव अल्फा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी रिजल्ट का हम यूज करके आगे देखने वाले हैं, दैट गाइस हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम एनी ग्रामर, ठीक है। मतलब हम बेसिक सा एक तरीके से आप फॉर्मूला समझ सकते हो कि इस फॉर्मूला का यूज करके वी विल चेंज दी ग्रामर, कि वो उसका लेफ्ट रिकर्जन हटाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे राइट रिकर्सिव ग्रामर में, एंड हमारी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ओके, क्योंकि हमारी इससे भी लैंग्वेज वही जनरेट हो रही है जो हमारी इस लैंग्वेज से जनरेट हो रही थी, है ना। सो वही लिखा हुआ है गाइस, दिस राइट रिकर्सिव ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, एंड सो टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन वी विल फॉलो दीज रूल्स। नाउ दोस्तों बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ाया कि हमने इसको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को कन्वर्ट किया राइट रिकर्सिव ग्रामर में और दोनों सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का यूज करके नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें हमें बोला हुआ है कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो हमारे पास है, इसको हमें कन्वर्ट करना है और इसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक ग्रामर, हमको बोला है कि रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम दिस ग्रामर, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का, एंड लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस अगर आप इस वाली अपनी डेफिनेशन को जो आपको प्रोडक्शन गिवन है इसको आप कंपेयर करते हैं ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा से, तो गाइस ए आपका मतलब स्टार्टिंग सिंबल ई है यहाँ पर, तो ए डिराइव्स ए अल्फा, दैट इज ई डिराइव्स ई प्लस टी। तो ये अगर आपका है ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा, इससे अगर आप कंपेयर करते हो, तो ए अगर मैं ई को मानता हूँ तो मेरा यहाँ पे हो गया ए, एंड अल्फा क्या हो गया गाइस, बाकी का बचा हुआ टर्म प्लस टी। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट गाइस, दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज प्लस टी आपका हो गया अल्फा, और स्लैश बीटा, स्लैश के बाद बीटा बोले तो टी आपका यहाँ पर आ गया, तो ये आपका हो गया गाइस बीटा। सो सिंपल सा हम वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा के बाद जो हमारा प्रोडक्शन बनती है और उसके हिसाब से अपना आंसर लिख देंगे, ओके। सो ये हमारा हो गया, ये ए हो गया, ये अल्फा एंड देन दिस बीटा। सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा जब हमारा होता है, सो विल से ए डिराइव्स बीटा अल्फा डैश, ओके। सो वी विल से ए डिराइव्स के बदले हमने सिंपल ई ले लिया, एक ही बात है ना, कुछ भी ले सकते हो। सो गाइज यू कैन टेक एनी वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपल लिया ए डिराइव्स बीटा ए डैश होता है, तो हमने लिखा ई डिराइव्स बीटा, बीटा क्या है आपकी वैल्यू टी, सो टी ई डैश, यू कैन टेक एनी वेरिएबल अगेन, ओके, कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पे एम एक्स जो भी लेना चाहें। फिर यहाँ पे सिंपली हमने लिखा ए डैश डिराइव अल्फा ए डैश, सो ई डैश डिराइव्स अल्फा, ओके, अल्फा की वैल्यू आपकी ये थी प्लस टी, एंड देन ई डैश, यहाँ पे हमने ए डैश लिया था तो ए डैश आया, सिंपली यहाँ पे ई डैश लिया तो ई डैश आ गया, एंड देन सिंपली एप्सिलॉन, ओके। सो इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसका आंसर निकाल दिया, जस्ट वी हैव टेकन दी ग्रामर, उसको हमने चेक किया कि ए डिराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा से हमारा क्या क्या वैल्यू क्या क्या है, कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, हमने इसको पता किया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने इसको सिंपली इस तरीके से जैसे हम इसको लिखते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसको सिंपली अपना रिकर्जन इसका रिमूव कर दिया, ठीक है। सो वी हैव रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन हियर गाइस, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके चार पांच एग्जांपल्स देखते हैं, एंड यस वीडियो चाहिए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल।